जमीन पे बैठा रहता था, पर आज जमीन पे न बैठ करके चौकी पे बैठ गया हूं, मुझे चौकीदार बना दिया। ये गौ माता ने मुझे कोई ना, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, जब तक मैं बिका न था तब तक कोई पूछता न था, ये तो गौ माता ने ही खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। आज सारी दुनिया से, दुबई से, न्यूजीलैंड से, जर्मनी से, अमेरिका से फोन आ रहे हैं कि आप अमेरिका में सत्संग करवाओ, न्यूजीलैंड में सत्संग करवाओ, और जर्मनी का और दुबई का तो टिकट भी बना दिया। पर मैं को भाई बैली तो जर्मनी वाला, दुबई वाला, चाहे अमेरिका वाला हो, पहले भारत भूमि में आओ और यहाँ की गौ माता के दर्शन करो और यहाँ गौ माता का दूध पी करके देखो, तुम्हारी शुद्ध बुद्धि आ जाएगी। तुम यहाँ आओ। और मुझे तो कोई दूसरा देश अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि सबसे प्यारा कोई देश है तो ये भारत देश है, जहाँ गौ माता की पूजा होती है, जहाँ संतों की पूजा होती है। और देशों में ना तो संत है ना गौ माताएं हैं। और देशों में तो वहां का खान पीन ही खराब है, वहां सब नशेड़ी हो रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं, पैसा का करे क्या। अमेरिका में तो किसी के ब्लड प्रेशर हाई है तो गौशाला कहीं है तो वहां गौशाला में जाते हैं, गौ माता के हाथ फेरते हैं ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, और $5,000 देना पड़ता है गौ माता का हाथ फेरवा का। अरे अंडे तो आपने गौ माता ही आपने चारों मेहर फरज है, फिर भी आपा क्रम खोड़ दा बाकी सेवा को न करा, इस बड़ो क्रम खोड़ दो कौन बोलो। बेशा कर पाडा के पाचे पड़ेड़ा, अरे ये बेशा राके तेरे बाग पाडा हो जावे तो वो पाडा ने कसाय ने बेच देवे, और वह कसाय का पैसा अपना घर में राके, वह घर में वह कसाय का पैसा रेवेला, घर में कड़े होलो, घर में लड़ाया झगड़ा होला, डॉक्टर के पैसा लागेला, हॉस्पिटल में पैसा लागेला, वही पैसा पाप में लागेला। क्यों? कि धर्म की जड़, धर्म की जड़ पाताल में, और पाप की जड़ अस्पताल में। पाप को पैसा अस्पताल में जावे या कोर्ट में जावे या थाना कचेड़िया में जावे, लड़ाई झगड़ा में जावे। इसलिए पाप को पैसों घर में ना आना चाहिए, और अगर आ भी गयो तो बिना शुद्ध करना है तो गौ माता की सेवा में लगा दो, वो धन भी शुद्ध हो जाओ लो, तन भी शुद्ध हो जाओ लो, मन भी शुद्ध हो जाओ लो। कर देखो मेरे यहां केदारनाथ गौशाला है, उनके संचालक श्री जगदीश जी जीता जागता उदाहरण है, रात और दिन गौ माता की सेवा करते हैं। अकेले गौ माताओं को 200-300 गौ माताओं को चरा करके लाते हैं, खुद चारा डालते हैं, खुद बाट डालते हैं, खुद गोबर डालते हैं, उनका जीवन जीने की शैली देखो आप। और गौ माता की ऐसी कृपा है, जिस गौ माता का नाम लेते वो उनके पास आ जाती है। वो भी एक गृहस्थी है, मेरी तरह बाबा जी नहीं है, पर उन्होंने पूरा जीवन गौ माता के लिए दे दिया। आप गौ माता की सेवा करके देखो, भले ही दूध मत दो, गौ माता के दर्शन ही अच्छे हैं। अरे भी गाय माता का गुत्र का छाटा लागे बड़े ही पवित्र हो जावे। आप ये देवी देवता अनावे थे गोड़ला, ये बोपा, कोई तेजा जी, कोई बेरू जी, कोई भूमियो जी, कोई सगश जी बाप जी आर्या से, ये जतरा भी देवता वचन तो पहली आके मारे गाय को गूत को छाटो दीजो भाई, पहले पहली मैंने शुद्ध करो पाचा हूं लो। अरे गाया बच्चे ली को तो फिर बेशा कोई कार्ड ले आड़ो पड़ो लो, अरे बेशा को छाटो दे दो तो आयोड़ो देवता भाग जा लो। तो गाय माता रहना जरूरी है, गाय माता रहेगी तो थका देवता रहेगा, और ये देवता रेवला तो थका कार्ज होला, नहीं तो गरा गरा में भूतने कुदेली, घर घर में भूतने ना चली, ना डालावली के माओ खाऊली बर्फी खाऊली, इन्हें बर्फी कटू दिया, घर घर में चेड़ा चाड़ा घुस जाओगा ताकि भूतने का डलो कौन, गणा दुखी चे लोग, जना जना का घरा का महीने माता हाल रिया चे, देवता भी दुखी होगा आया का चेड़ा काट काट, आका सबका चेड़ा भगाना हुए तो घर में गाय माता की सेवा करो, ये बात की गारंटी है, ताका चेड़ा भाग जाएगा।
ताको जन्म सुधर जागो ताकि सात पीढ़ी सुधर जाओगी, सात पीढ़ी तर जाओगी गोमत। अरे आपना अगला बड़ा गो माता की सेवा करे चा जिसको आपना जीवन में रोजगार मिल रही हो। नहीं तो आप देखो अब आरी इमालपुरा क्षेत्र का महीने टोडा राय सिंह का क्षेत्र का मैंने खूब जुवारिया हो जी पर अयान को पानी पड़ियो सब गड़की। अब पाड़ो पेशा थे अब पेशा बेचबा की नौबत आ गई। अरे बाप गौ माता तो बेचारी पहाड़ में जाकर के भी पेट भरती है, गौ माता थैलिया खा करके पेट भर लेती है, गौ माता अंग्रेजी बमूड़ खा करके पेट भरती है। अरे आपा कर्म खोड़ला वा गौ माता की सेवा कौन कर सका जो गौ माता आपना आगला बड़ा ने पाड़ी आपा ने पाड़ी। पर आज आज फिर मौको आयो है, यो अवसर आयो है अपनी खरी कमाई अपनी सफल कमाई गौ माता के लिए निकालो। जानकी पूरा में जो ये गौ माता का इतना सुंदर आयोजन हो रहा है तो बाप जी महाराज इतनी वृद्ध अवस्था है मोतीगिरी जी महाराज की, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि जैसे कोई इतने सारे संत बैठे हैं उनमें अगर कोई जामवंत जी है तो मोतीगिरी जी महाराज बैठे हैं। हम सबको मार्गदर्शन करने वाले दिशा देने वाले हम सबके अंदर शक्ति प्रदान करने वाले। कहे रीच पति सुनो हनुमाना का चुप साध रहो बलवाना। ये हमें शक्ति देने के लिए मोतीगिरी जी महाराज ने अपना ये बीड़ा उठाया है और ये कह रहे तुम तैयार रहो हम तुम्हारे साथ हैं। पर मोतीगिरी जी महाराज ने इतनी वृद्ध अवस्था में भी अस्वस्थ शरीर होते हुए भी गाय माता के लिए एक नहीं दो दो गौशालाएं अपने गोद में ले लिए और आप दो दो गौशालाओं के गोद चले गए। इतना बड़ा काम करे इतनी बड़ी उम्र में तो हम सबका फर्ज बनता है कि बाप जी महाराज ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया है तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम भी लाठी लगा दें इनके आगे। बस लाठी लगाने की जरूरत है, बाकी मोतीगिरी जी महाराज ने तो एक बहुत बड़ा पर्वत उठा रखा है और उस पर्वत में भी कैलाश बना दिया तो यहां भी एक कैलाश बन जाए। कितना बड़ा काम किया आप, जिंदगी लगा दिया पूरी तो ये कमरों बड़बा बनाओ, पूरी जिंदगी लगा दिया ये कमरों बड़बा में कौन आवे और उस पहाड़ में उस जंगल में आज लाखों लाखों पक्षी भी अगर गीत गाते हैं तो मोतीगिरी जी महाराज के गाते हैं लाखों लाखों पक्षी। कितना चुगा चुगते होंगे कितने गीत गाते होंगे। आज मैं दिल से और आत्मा से कह रहा हूं अगर यहाँ जितनी भी गौ माताएं हैं वो गीत गाएगी तो मोतीगिरी जी महाराज का गाएगी कि धन्य हो जो आज हमारी संभाल करिए। पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपकी जितनी श्रद्धा हो मोतीगिरी जी महाराज के साथ लाठी लेकर के खड़े हो जाओ। जब जब ये पर्वत उठाए चंटी आंगली पर तुम अपनी लाठी लगा दो तो गौ माता भी बच जाएगी और ये गौ माता गोलोक बन जाए। बोलो गौ माता की, गौ माता की। आओ मैं आपको कुछ भजनों में ले चलूं जो मैं सदा गाता रहता हूं।